काजल हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, तो इस बार क्या कर रही हो जरा सीन के बारे में बताइए। गिर तो रही थी झूठ मूठ का, लेकिन शायद सच में ही गिर रही हो। सच में मैंने पूरी प्लानिंग के साथ सुसाइड करने का सोचा था, लेकिन मासी ने गद्दा थोड़ा साइड में खिसका दिया, मेरी टांग टूट गई। तो बस उसी बात का मेरे को मासी पे थोड़ा गुस्सा है कि उनकी वजह से मेरी टांग टूट गई। तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों कूदना चाहती है काजल? इसके पीछे का ये कारण है कि थोड़ी सिंपैथी गेन करना, नील की स्पेशली। इस बार ही थोड़ा नील के ऊपर है फोकस, उसकी सिंपैथी गेन करना, और इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार सुसाइड करने का सोचते हैं फुल प्लानिंग के साथ। क्या नील आपसे प्यार नहीं करते, ये इसीलिए आपने कुछ? हाँ नहीं, नील मुझसे प्यार नहीं करते, नील दिव्यानी से प्यार करते हैं, तो बस इसीलिए मेरे को थोड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग करना पड़ा। अब प्लानिंग उल्टा ही पड़ गया, प्लानिंग उल्टा पड़ गया, मेरी टांग टूट गई। तो अब लगता है आपको कि नील आपके थोड़ा सा करीब आएंगे ये सब करने के बाद? अब वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत सिंपैथी जरूर गेन कर लूंगी। लोगों का रिएक्शन कैसा था जब नीचे आई अन्नू सासू माँ सबका? तब तो मेरे को भी शॉक लग गया था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी टांग टूटने वाली है। मैंने सोचा था मैं बहुत सेफली जंप कर लूँगी, गद्दा होगा नीचे, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी टांग टूट जाएगी और रियल नीचे आ गई और सच में नीचे गिर के टांग टूट गई। चलिए लास्ट अपने फैंस से कुछ कहेंगे। प्लीज़ वॉच शास्त्री सिस्टर एवरी डे, नाउ टाइम इज चेंजिंग 6:30, सो प्लीज़ वॉच। लव यू ऑल।